हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आमिर खान स्टूडेंट गाइडर चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको टिंडे चिकन बनाने के बारे में बताऊंगी किस तरीके से बनाना है, तो वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको तमाम डिटेल समझ में आ जाए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आपने ऑप्शन में ऑल को क्लिक करके सेटिंग अपनी सेव कर ले, इससे जो भी नई वीडियोज़ की अपडेट है वो सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाएगी। अगर आपने ऑल को क्लिक नहीं किया होगा तो कुछ की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, कुछ वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो आप इस तरीके से सेटिंग करेंगे तो आपको तमाम वीडियोस की नहीं मिल जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर ये सेटिंग को जो फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए। चलिए आज की वीडियो को बिना किसी देर के करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर तो जो है वो मैंने टिंडे ले लिए हैं, आधा किलो मैंने चिकन ले लिया है और मैंने टमाटर जो है वो मैंने 5 टमाटर ले लिए हैं। अगर आपके बड़े हैं तो 4 जाएंगे और मेरे छोटे भी थे बीच में टमाटर, तो इसलिए मैंने 5 टमाटर लिए हैं। 2 हरी मिर्ची ली हैं और मैंने प्याज, ये देखिए प्याज मैंने बड़ा लिया है 1 प्याज। ये तमाम चीज़ें थी जो यूज़ होंगी। अब चलते हैं स्पाइसिस की तरफ कि कौन कौन से जो स्पाइसिस हैं वो यूज़ होने हैं और किस तरीके से इसको मैंने बनाना है। चलो स्पाइसिस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर स्पाइसिस जो मैंने लिए हैं वो 1 टेबल स्पून भरकर जीरा पाउडर लिया है मैंने, और मैंने 1/2 टेबल स्पून जो है वो लिया है मैंने काली मिर्च पाउडर, और मैंने जो हल्दी है वो 1/2 टेबल स्पून भरकर ली है, और मैंने 1 टेबल स्पून भरकर सूखा धनिया पाउडर लिया है, और 1 टेबल स्पून भरकर मैंने जो है वो लाल मिर्ची पाउडर लिया है, और चुटकी मैंने कलवंजी ली है। ये बायसे शफा है, आप इसको यूज़ कीजिए। ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो स्पाइसेस जाएंगे हमारी हंडिया में। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। एंड सबसे पहले सफाई की बात कर ले तो लेमन मैक्स जो लॉन्ग बार है, इसका जो पैकेजिंग है इस सो अमेजिंग, एंड फ्रेग्रेंस इसकी सो अमेजिंग है, और सफाई में ये ब्रिलियंट है। आप इसको यूज़ कीजिए और फीडबैक दीजिए मुझे, कमेंट करके बताइए। 100 रुपीज़ का आपको पैक मिलता है और ये बहुत अच्छा जो है सफाई में आपके फुल भरा होता है, तो ये यूज़ हो गया तो थोड़ा सा हो गया, तो जिन्होंने यूज़ किया वो भी कमेंट करके बताना, नहीं किया वो यूज़ करके कमेंट बताएं। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्याजों को मैंने स्लाइसेस में काट लिया है और जो मैंने 3 टोंगियां ऑयल डाल दी है और उसको मैं हाई फ्लेम पे जो है फ्राई करूंगी प्याज को। स्पार्कल की जो माचिस है ब्रिलियंट, और मैं उसको अच्छी तरीके से जो है फ्राई करूंगी, फिर ये अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। आप सेकंड स्टेप क्या करना है, इसको गोल्डन ब्राउन होने के लिए छोड़ दिया मैंने चमचा रहते जाए। टमाटरों को मैंने अच्छे तरीके से पील ऑफ करके इसको स्लाइसेस में काट लिया, 2 घूंट पानी डालकर आपने इसको जो है वो ब्लेंड करना है, लेकिन आपने इसको छोड़ दिया। जब प्याज जो हमारा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो टमाटर के बीच में हम प्याज को ऐड करेंगे और इसको फिर पेस्ट बनाएंगे। यहाँ पर जो टिंडे हैं उसको मैंने इस तरीके से क्यूब शेप में जो है मैं काट रही हूँ, और क्यूब शेप में आपने कटिंग कर लेनी है इसकी, और उसको 1-2 पानी जो है धो लेने हैं और पानी निकाल कर साइड पर रखने हैं इसको टिंडों को, क्योंकि जो है पानी ये चूस लेंगे फिर आपकी जो है हंडिया बिल्कुल ठीक नहीं बनेंगी। तो इस तरीके से आपने करना है। अब ये सारे टिंडे जो है और 1 बड़ा खाने का चम्मच जो है अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड होगा, और प्याज जो है फ्राई हो चुका है, ऑयल साइड पे कर दिया हमने, प्याज जो है वो साइड पे कर दिया। प्याज को हम निकाल लेंगे और जो है अपने जग में जहाँ टमाटर हमने स्लाइसेस में काटे थे उसी में प्याज हम डाल देंगे और दोनों को मिक्स करेंगे, एक स्मूथ सा जो पेस्ट है वो बना लेंगे इसको। और जो है हमने क्या करना है, ऑयल जो है उसके बीच में हमने अपने टिंडे जो है क्यूब्स में जो काटे थे उसको डाल के हम इसको हाई फ्लेम पे ज़रा 1-2 मिनट हिलाएंगे, उसके बाद हम काली मिर्ची पाउडर जो है वो ऐड कर देंगे, उसके बाद फिर हम एक बार मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हमने 1/2 टेबल स्पून जो है वो सॉल्ट ऐड कर देना है। पहले कम यूज़ कीजिए क्योंकि सब्ज़ी जो है वो नमक जो है वो चूस लेती है, तो इसलिए आपने पहले नमक कम यूज़ करना है। अब हम इसके बीच में जो है अपना चिकन जो है वो ऐड कर देंगे, हम 5 मिनट तक भूनेंगे इसको, और जब हमारा जो है चेंज हो जाएगी चिकन की जो कलर, और उसके बाद जो है हम अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो ऐड कर देंगे इसके बीच में। अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड करेंगे और उसको चिकन भी ऐड करेंगे, और दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से हम भूनेंगे। भूनने के बाद जो है हमने क्या करना है, इसके बीच में 2 घूंट जो है वो पानी हम ऐड करेंगे और उसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, और मिक्स करने के बाद जो है हम इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए ढक देंगे, ताकि ये जो है सब्ज़ी जो है वो सॉफ्ट हो जाए और चिकन का कलर भी चेंज हो जाए, चिकन भी सॉफ्ट हो जाए। तो उसके बाद जो है हमने क्या करना है,
ये देखिए अब हमें इसको ढक दिया 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद हम देखेंगे टमाटर और प्याज की प्यूरी जो है वो रेडी हो चुकी है। और हमने क्या करना है, 5 मिनट हो चुके हैं, अब ढक्कन उठाकर हम देखेंगे तो ये हमारी जो है पानी ड्राई हो चुका है और हमारी जो कलर भी चेंज हो चुका है चिकन का और सब्ज़ी भी सॉफ्ट हो चुकी है। अब हमने इसके अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब हम इसके बीच में स्पाइसेस जो हैं अपने वो ऐड कर देंगे। सारे स्पाइसेस ऐड करके मिक्स करने हैं और फ़ौरन ही हमने अपने टमाटर और प्याज की जो प्यूरी थी वो हम डाल देंगे अपने टमाटर और प्याज की प्यूरी को। और इसके साथ ही हम थोड़ा सा जो वाटर है वो अपने जग में डाल के हिला लें और फिर उसके बाद डाल दें और इसको अच्छी तरीके से हम करेंगे मिक्स। और पानी इसलिए हम थोड़ा सा डालेंगे ताकि स्पाइसेस का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और हमारी हंडिया जितनी अच्छी भुनी हुई होगी तो उसकी जितनी अच्छी फ्रेगरेंस आएगी और खाने में हमें मज़ेदार लगेगी। तो हमने पानी ऐड कर दिया और हमने 1 टेबल स्पून जो सॉल्ट ऐड कर दिया। आप यहाँ पर अपना टेस्ट के मुताबिक सॉल्ट टेस्ट कर लें और सॉल्ट ऐड कर लें। अब हमने इसको अच्छी तरीके से कर दिया मिक्स। अब हम वो जो है वो ढक देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद पानी ड्राई हो जाएगा, बबल्स आने लग जाएंगे, ऑयल निकलाएगा हंडिया का, तो उसके बाद हम देखेंगे। अब 10 मिनट जो है वो हो चुकी है, हमने धनिया भी गार्निश के लिए काट लिया है। 10 मिनट बाद देखें, ये देखें ऑयल जो है अच्छी तरीके से निकल आया और हमारी जो है हंडिया वो रेडी हो चुकी है। अब हमने जो है अपनी टेस्ट के मुताबिक हमने हरी मिर्ची, यहाँ पर हमने 2 हरी मिर्ची ऐड कर दी है। वाटर हम जो डालेंगे वो 1 गिलास भरकर डालेंगे, क्योंकि हमने चपाती के साथ ये सालन खाना है, आपने चावल के साथ खाना है तो आप पानी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो हमने ये हरी मिर्ची ऐड कर दी है। अब हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद जो है टेस्ट कर ले, नमक आपको कम लगता है तो आप 1 टेबल स्पून हमने और डाल दिए, तो हमारी 2.5 जो थी सॉल्ट ऐड हुआ है। तो हमने वाटर जो है 1 गिलास भरकर हमने पानी ऐड कर दिया इसके बीच में। ये देखिए पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड करने के बाद जो है हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया और इसको हम ढक देंगे 20 मिनट के लिए। हम छोड़ देंगे ताकि ये तमाम जो चीज़ें हैं वो एक जैसी हो जाए। 20 मिनट बाद हमारा रेडी हो चुका है, हमने ढक्कन उठा के देखा है तो अब हमने इसको धनिया के साथ गार्निश कर दिया। अब हम आपको डिश आउट करके भी दिखा दिया। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए नई नई नोटिफिकेशन अपडेट के लिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह।